Morning class, I am Pawan Solanki. In today class, we will discuss about the Heisenberg uncertainty principle. प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम Heisenberg uncertainty principle करेंगे. इससे पहले हम जो है ठीक है कर चुके क्या कौन सा टॉपिक था भाई हमारा ठीक है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट हमने करा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ चुके भाई ठीक है. तो हम जो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ठीक है क्योंकि आज के समय का हमारा मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है ठीक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. दो डेवलपमेंट थी वहाँ पर कौन कौन सी नंबर एक डेवलपमेंट थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की उसको जानना जरूरी था. दूसरी है यहाँ पर जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट जान लेते हैं ठीक है फिर मैं एक एक टर्म से यहाँ पर आपको समझाऊंगा ये क्या होता भाई हाइजेनबर्ग ठीक है ने क्या बताया जो है ठीक है ना. देखो इन्होंने क्या कर दिया ठीक है बोर का मॉडल जो फेल कर देता है किसकी वजह से इसकी वजह से ठीक है. बोर का मॉडल ठीक है सक्सेस रहता ठीक है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. बोर चीज क्या थे ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक थे ठीक है हैप्पी थे क्योंकि उनको जो है ठीक है समझ रहे थे ना वो अपना भगवान भगवान मान रहे थे वो ठीक है कह रहे थे हाँ हम भी हैं जय वास्तव में हो गए ना जय थॉमसन ठीक है उनको जो सर के ऊपर थी ऐसे ही ठीक है बोर भी जो है खुश हो रहे थे यहाँ हमारा मॉडल ठीक है. लेकिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट आए ठीक है वो हाइजेनबर्ग कहलाए ठीक है. अब उन्होंने कहा क्या कहा स्टेटमेंट पहले इसको पढ़ लेते हैं ठीक है. इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजिशन असंभव है मेजर कर पाना साइमल्टेनियसली क्या साइमल्टेनियसली का मीनिंग क्या है साथ साथ एक साथ दोनों चीजें पता लगानी है क्या पोजिशन और मोमेंटम ठीक है. पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल ठीक कोई भी स्मॉल पार्टिकल है जैसे कि क्या है इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ठीक है. इनकी जो है पोजिशन को पता लगा पाना और इनका मोमेंटम मोमेंटम ही होगा भाई जब ये मोशन कर रहे हैं इनका मास तो होता ही है भाई ठीक है. मोशन करते मोमेंटम होगा एम वी का मोमेंटम ठीक है. इसकी पोजिशन पोजिशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ पता लगा पाना ठीक है ज्यादा एक्यूरेसी के साथ विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ या फिर सर्टेनिटी के साथ ठीक है असंभव है. इन्होंने कहा किसने कहा हाइजेनबर्ग ने कहा ठीक है स्टेटमेंट थी ठीक है. दूसरी बात यदि इनको इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर एनी ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी यदि कोई प्रयास किया जाता है ठीक है इन दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी को दो क्वांटिटी को हायर एक्यूरेसी के साथ आप यदि क्या करते हैं मेजर करते हैं तो दूसरी क्या हो जाती है लेस एक्यूरेट हो जाती है मतलब दूसरे में क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी. एक को यदि आप क्या करते हैं ठीक है इनमें से मान लो पोजिशन को आप क्या कर रहे हैं अच्छे से मान लो आपको पोजिशन के बारे में पता है ठीक है तुरंत आपको उसका क्या आएगा गलत आएगा ठीक है ना. ये यहाँ पर आ रहा है गलत अनसर्टेनिटी ये समझ में नहीं आ रहा कुछ ठीक है. देखो भाई सबसे पहले तो क्या है इस चीज को ध्यान से समझेगा ठीक है. फिर एक मैथमेटिकल टर्म भी है ठीक है जो एरर होती है कम से कम ठीक है एच अपॉन फोर पाई ठीक है रहेगी इतनी एरर तो आएगी आएगी ठीक है. तो क्या है बिल्कुल सही से मैं बता रहा हूँ समझिए ध्यान से क्या है. देखो हम तो कहते हैं कि एरर है क्या है एरर ठीक है. उन्होंने कहा एरर समझते हो कोई भी चीज है मान लेते हैं एक डिस्टेंस है ठीक है आप उसको ठीक है मेजर करने के लिए कहा जाए आपसे ठीक है कि स्केल से आप इसको मेजर कीजिए ठीक है. जब मेजर करेंगे किसी ने कहा कि ये डिस्टेंस जो कितना है 2.5 सेंटीमीटर है ठीक है. ए ने तो ये कहा ठीक है. बी ने कहा ठीक है ये 2.5 नहीं है ठीक है ये तो कितना है ये 2.7 है सेंटीमीटर है ठीक है. सी ने कहा कि ये तो 3.0 सेंटीमीटर है ठीक है. तो सभी क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है ठीक है. यहाँ पर देखो अब जो उन्होंने स्केल यूज किया हुआ ठीक है क्या पता ठीक है वो स्केल में क्या हो ठीक है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो ठीक है. इंस्ट्रूमेंट की एरर भी हो सकती है. यहाँ पर क्या है उसने देखो यहाँ से कई बार क्या था जीरो ठीक है फिर उसके बाद ठीक है पांच आएगा फिर एक आएगा ठीक है फिर ये दो ठीक है 2.5 जो भी है ठीक है. ऐसे इसको ठीक है स्केल से मेजर कर रहा हुआ ठीक है. तो उसने क्या पता उसका बी वाले का स्केल क्या रहा हो ठीक है टूट रहा हो 2.8 आएगी सा रखा उसने फिर उसने मेजर किया हो तो 2.7 आ गया होगा ठीक है. तो क्या हो रहा है यदि करेक्ट अगर मेजर करें ठीक है तो मान लेते हैं ए का करेक्ट था भाई कितना था ए का करेक्ट था लेकिन बी ने क्या किया 2.7 मेजर किया ठीक है. तो ये क्या हुई ठीक है 0.2 की क्या हुई ठीक है 0.2 की यहाँ पर क्या होगी एरर हो गई क्या होगी एरर होगी ठीक है एरर ठीक है. अब इसने सी ने तो क्या कर दिया 0.5 की एरर आ गई यहाँ पर जो इसके तो जो थे शुरुआत के जो पांच ठीक है 0.5 तक के क्या होते ठीक है वो मिटे हुए थे ठीक है. इसने तो कहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ ठीक है. तो उसने बता दिया कि 3.0 ठीक है एरर है. एरर का मतलब यहाँ पर क्या है हम तो कह रहे हैं एरर ठीक है. और उन्होंने क्या कहा अनसर्टेन कहा क्या कहा अनसर्टेन ठीक है. अनसर्टेन मतलब सर्टेन का क्या होता है अपोजिट होता है किसका अपोजिट है भैया सर्टेन का अपोजिट है ठीक है. सर्टेन मतलब सर्टेन का मतलब होना निश्चित होना जैसे कि हम कह रहे हैं कि इसकी ठीक है जो लेंथ है कितनी है 2.5 है ठीक है सर्टेन है ठीक है सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं ठीक है. अब जो इन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी आ गई ठीक है यहाँ पर जो क्या है ठीक है एरर आ गई ठीक है मतलब ये कितनी हो सकती है ठीक है 2.7 भी हो सकते हैं 3.0 भी हो सकते हैं. यदि मैं आपको उससे कहूँ बिना स्केल के कहता ये कितना होगा भाई ठीक है इसको मेजर करके बताओ तो आप क्या कहते हैं 2.7 होगा 2.2 कोई तो कहता है 2.0 भी है
ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, अंदाजा लगा रहे हैं हम, ठीक है, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। अब वो जो अंदाजा गैस करने में जो एरर आ रही है, ठीक है, जो एरर, एरर का मतलब जो डिफरेंस है, जो एक्चुअल है, एक्चुअल तो कितना है, इतना है, ठीक है भाई। और ठीक है, जो आपने गैस किया ये वाला भी, ठीक है, गैस किया ये वाला, ठीक है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहलाएगा अनसर्टेनिटी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, अनसर्टेनिटी कहला है, ठीक है, आइए बात समझ में, ठीक है। तो ये कहलाया अनसर्टेनिटी। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, देखो जो बोर थे ना, ठीक है, नील बोर, ठीक है, नील बोर ने अपना मॉडल दिया, ठीक है, एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे सारी चीजें बता दी, क्या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का उन्होंने क्या बताया, ठीक है, एनर्जी बता दी उन्होंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कोई सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस है, ठीक है भाई, यहाँ पर उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी उसने बता दी, ठीक है, फिक्स एनर्जी है उसकी, सारी चीज फिक्स फिक्स बता दी उसने, एनर्जी क्या है, फिक्स है, ठीक है भाई, उसकी फिक्स रेडियस बता दी, ठीक है, हर एक चीज क्या कर रहा है, वो फिक्स फिक्स बता रहा है, ठीक है, कौन, जो नील बोर जी है, ठीक है, नील बोर ने बताया कि फिक्स एनर्जी है उसकी, फिक्स रेडियस है, ठीक है भाई, फिक्स रेडियस होगी, ठीक है, फिक्स उसकी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, ये भी क्या बता दी, फिक्स वेलोसिटी बता दी उन्होंने जो है, ठीक है ना, सब कुछ जो यहाँ पर जो बता दिया, ठीक है। तो अब फिक्स रेडियस भी बता दी, फिक्स वेलोसिटी बता दी, तो सब कुछ जो क्या करते, फिक्स फिक्स कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बता दिया। लेकिन आपने हाइजेनबर्ग ने कह दिया कि पोजिशन तो बताओ आप इसकी, जब आपको इसकी फिक्स, ठीक है, रेडियस पता है, ये फिक्स रेडियस होगी, फिक्स वेलोसिटी ये है, उसका ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई दिया अभी तक, जो इलेक्ट्रॉन जो आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होना चाहिए था। तो यहीं से क्या हुआ, ठीक है, जो नील बोर का, ठीक है, जो दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, इनका जो मॉडल क्या हो गया, ठीक है, जो है खराब हो गया, डिस्कार्ड कर देगा, क्यों, देखो ये सारी चीज क्या करते हैं, फिक्स 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 कह रहे थे। देखो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखो मान लेते हैं क्या है, कि एक पाथ है भाई, ठीक है, ये कि रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर क्या, ये चंडीगढ़ है, ठीक है, ये चंडीगढ़ है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे आप क्या चंडीगढ़ में है, ठीक है, और बी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है यहाँ पर, ये दिल्ली वाला पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट पर आप कहाँ पर आए, दिल्ली है, ठीक है, बी पॉइंट जो है दिल्ली है, ठीक है। अब जो है भाई, ठीक है, ए पर कोई है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो किस स्पीड से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी हम बता रहे हैं, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो देख लेते हैं ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लो, ठीक है, यहाँ पर जो हम कह लेते हैं, ठीक है, 200 किलोमीटर भाई, कितना है, 200 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस, चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर दूर है भाई, ठीक है, डिस्टेंस आपको पता चली है कितनी दूर है, ठीक है, स्पीड आपको पता चल गई, फिक्स, ठीक है, वेलोसिटी पता चल गई भाई, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री पता चल गई, पाथ पता चल गया, ठीक है, रेडियस है तो क्या, पाथ पता चल रहा है। अब देखो, ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे क्या, ठीक है, कि 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, चंडीगढ़ से ए बंदा, ठीक है, ए चला यहाँ से, ठीक है, चंडीगढ़ से चला 1 घंटे बाद, ठीक है, बताइए कहाँ पर होगा वो, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ना, अरे बच्चों, 50 किलोमीटर चल लिया होगा भाई वो, ठीक है, तो कहाँ पर आ यस जाएगा सर, वो, ठीक है, ऊपर आ गया होगा, सी पर, सी सी पॉइंट के ऊपर आ गया होगा, ठीक है ना, तो मैं रहता हूँ यहाँ पर, सी पॉइंट के ऊपर आ गया होगा, ठीक है, और 2 घंटे बाद अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, तो फिर वो कहाँ पर आ गया होगा, ठीक है, डी पॉइंट के ऊपर आ गया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा उसने, ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लिया होगा, ठीक है, तो आप ये बता पा रहे हैं ना, पर देखो यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट की क्या पता है, स्पीड पता है, ठीक है, ये क्या है, स्पीड है ना, ये स्पीड है, ठीक है भाई, ये स्पीड है, और उसकी आपको अभी क्या पता है, पोजीशन पता है, क्या पता है, पोजीशन, ठीक है, दो चीजें यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी, और ये क्या है, पोजीशन, अभी वह कहाँ है, चंडीगढ़ है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 1 घंटे बाद कहाँ होगा, बता सकते हो आप कहाँ पर होगा 1 घंटे बाद, ठीक है, सी पॉइंट पर होगा, 2 घंटे बाद कहूँ तो कहाँ पर होगा, डी पॉइंट पर होगा, यदि मैं कहता 1.5 घंटे बाद कहाँ होगा, तो सी और डी के बीच में होता, ठीक है, कहीं पर भी यहाँ पर बीच में होता भाई, ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होता, ठीक है, 75 जो है, ठीक है, कर लिया होता, ठीक है, ऐसा कुछ जो यहाँ पर जो टाइम रहता, ठीक है, आता कि रहता भाई। तो इसके लिए दो चीजें आपको पता चाहिए भाई, ठीक है, क्या होनी चाहिए, एक तो पोजिशन पता होनी चाहिए, दूसरी कब होनी चाहिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नील बोर को भी कहा, जब क्या है उसका रेडियस पता है भाई, ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन आप मान ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी भी आपको पता है, फिक्स रेडियस है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको क्यों नहीं पता भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर कहाँ होगा, ठीक है, ये तो आप बता नहीं पा रहे भाई, ठीक है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये नील बोर जी ने नहीं बताया, यही कह रहे, प्रॉब्लम रही भाई, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग ने कहा, हाइजेनबर्ग ने फिर अपनी ये स्टेटमेंट दी,
क्या स्टेटमेंट थी भाई कि जो है आप जो है और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आप जो है ना कैनी कैलकुलेट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, साथ साथ जो है पोजिशन या फिर जो है ठीक है उसको मोमेंटम जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पार्टिकल वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, क्या नहीं पता लगा सकते उसका कैलकुलेट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली की बात हो रही है भाई यहाँ पर जो, ठीक है, साथ साथ पता लगाना भाई, ठीक है, साइमल्टेनियसली द पोजिशन एंड मोमेंटम, ठीक है, पोजिशन नहीं पता लगा सकते आप उसकी, ठीक है, एंड एंड मोमेंटम क्या है क्योंकि वेलोसिटी से है ना, ठीक है, वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, वेलोसिटी है तो भाई कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है उसका मास तो हो गई, ठीक है, और चूंकि वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, अब मास और वेलोसिटी को दोनों को मिलाकर क्या बना देते हैं, मोमेंटम बना दे, क्या बना दिया, मोमेंटम बना दिया, ठीक है ना, आगे बात समझ, तो आप उसको जो साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बात हमने बताई, किसने बताई, हाइजेनबर्ग, ठीक है, कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहेगा तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या एरर आएगी ही आएगी, ठीक है, मतलब जैसे कि ये कह रहा है कि यदि आप क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए ठीक है आप एक स्टिक्स की बात जो बार बार कर रहे हैं आप, ठीक है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है इसकी एनर्जी, ठीक है अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अभी इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ठीक है जैसे कि कौन सा मॉडल आ गया था, डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ठीक है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे जब वेव नेचर, ठीक है वेव नेचर के रूप में, ठीक है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, ये बता दिया उसने जो है, ठीक है किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया, अब यहाँ पर जो ये पता चला तो इलेक्ट्रॉन का वहां पर हो सकता है कुछ समय के बाद, ठीक है मतलब अगर वो पोजिशन अभी इसकी पोजिशन यहाँ पर है, ठीक है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी, ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है आप एक्यूरेट पोजिशन नहीं बता सकते, समझ गए ना, तो इस जो ठीक है एरिया को, ठीक है या फिर उसने जो पोजिशन में जो डिफरेंस है, ठीक है इसे क्या कहा, अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी मतलब कैसी तो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी तो बता रहे तरीके से वहां पर वो, ठीक है अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, ठीक है पूरा सर्टेन नहीं है कि यहाँ पर होगा, इस ऑरेंज आ रहा वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर क्या है वो अनसर्टेन है, क्या है अनसर्टेन है भाई, ठीक है यहाँ पर यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है तो इस यही तो बाद में पता चलेगा भाई, ठीक है यही जो वाला ठीक है जो स्पेस होगा वो कहलाएगा क्या आपका ऑर्बिटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑर्बिटल कहलाएगा, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है मतलब इसे हम उसने क्या नाम दिया, ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, प्रोबेबल वॉल्यूम रहेगा ये, प्रोबेबल प्रोबेबल ठीक है वॉल्यूम रहेगा जहां पर कि क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जहां पर क्या हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है मौजूद, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है यहाँ पर जो है वॉल्यूम या फिर हम इसे प्रोबेबल डेंसिटी, डेंसिटी भी हम इसको जो कह सकते हैं, ठीक है ये वो वॉल्यूम है या फिर वो डेंसिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ठीक है हो सकता है प्रोबेबिलिटी बता रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है इसी को उसने जो बाद में क्या नाम दिया था ऑर्बिटल नाम दिया, ठीक है क्या नाम दिया ऑर्बिटल, जबकि बोर तो क्या कह रहे थे, ठीक है वो तो 2D पाथ में होता है, ठीक है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फिक्स रेडियस है तो अब क्या हो यहाँ पर होगा भाई, ठीक है तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको मैथमेटिकली भी उन्होंने जो प्रूव किया मतलब कितनी अनसर्टेनिटी रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है उसने एरर भी बताया कितनी रहेगी, ठीक है उसने बताया कि जो है देखो यहाँ पर जो बताया द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, उसके पोजिशन में, ठीक है मतलब जो प्रोडक्ट रहा, प्रोडक्ट मतलब गुणा है दोनों की, ठीक है दोनों को एक साथ इकट्ठा बता देना, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन, ठीक है पोजीशन को जो उन्होंने बताया डेल्टा एक्स, ठीक है डेल्टा एक्स है यहाँ पर जो बताया भाई, ठीक है डेल्टा एक्स ले ले रहे हैं यहाँ पर हम जो है, ठीक है एंड एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम ठीक है ना, मोमेंटम मोमेंटम को उन्होंने जो लिया किससे लिया, डेल्टा पी से, ठीक है डेल्टा पी, ठीक है डेल्टा पी, पी सिंबल होता है, ठीक है तो चेंज इन, ठीक है जो अनसर्टेनिटी रहेगा, ठीक है स्मॉल जो है, ठीक है अनसर्टेनिटी है, ठीक है वो स्मॉल से हम दिखा रहे हैं डेल्टा पी, ठीक है अब इसका जो फॉर्मूला क्या हुआ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास ठीक है मास तो क्या रहेगा फिक्स रहेगा, मास तो चेंज नहीं होता भाई, ठीक है तो वेलोसिटी में क्या रहेगा, ठीक है यहाँ पर जो चेंज रहेगा, ठीक है भाई खाली लीजिए, ठीक है तो डेल्टा वी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है तो ये क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी से नोट किया उसको, ठीक है भाई
ठीक है ना, तो ये मास है पार्टिकल का और बी क्या है वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, जो पार्टिकल की, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. तो ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. ये हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कॉन्स्टेंट रहेगा एंड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा और कितना होगा भाई, ठीक है, कॉन्स्टेंट कितना है, ठीक है, दो तीन है, चार है, पांच है, ठीक है, कितना है, ठीक है, कितनी वैल्यू है उसकी, ठीक है, वो बराबर होगा एंड इज इक्वल टू, वो वैल्यू जो ने बताया एट एंड इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, या फिर या तो बराबर होगी या फिर ग्रेटर देन होगी, किससे, ग्रेटर देन एच अपॉन फोर पाई, ठीक है भाई, ये रहेगी यहाँ पर, ठीक है, वेयर एच इज, ठीक है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पर एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब इतनी जो एरर है आनी ही आनी है, प्लैंक कॉन्स्टेंट है, इतनी जो अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी. अब जैसे क्या है, देखो ये बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर इस बात को, ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस है, ठीक है, इस लेंथ की लंबाई, ठीक है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो लेंथ कितनी है भाई, मान लेते हैं यहाँ पर 2.0 सेंटीमीटर, ये क्या एक्चुअल है, कोई कह रहा है ये कितनी है, ये क्या 1 सेंटीमीटर है बेटे, 1.5 सेंटीमीटर, कोई कह रहा है ये कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए ने कहा कितने का 1.5, बी ने कहा ये कितनी है 2.5, जब एक्चुअल में कितनी है, ये कितनी है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो गैप है, ठीक है, अनसर्टेनिटी का, ये कितने का है, एक का है ना, ठीक है, तो ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर कहलाई, क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी कहलाई, ठीक है भाई, यही तो क्या अनसर्टेनिटी है ना, ऐसे यहाँ पर भी कहता है, तो हम गैस कर रहे हैं ना पोजिशन में और उसकी मोमेंटम में जो आएगा वो लगभग एरर जो होगी ना, लगभग कितनी एरर आएगी, यहाँ पर कितनी एरर आई है, हमने बिना फूटे से मेजर करके ये बताया भाई, ठीक है, बिना स्केल के मेजर किया तो कितने की एरर आई, लगभग एक की, 1 सेंटीमीटर की एरर आई, तो इतनी तो मिनिमम एरर आनी ही आनी है, ठीक है भाई, कोई कहेगा इतनी कहेगा, कोई इतनी कहेगा भाई, ठीक है, इतने का तो क्या एरर बताएगा ही बताएगा, तो यहाँ पर भी मिनिमम एरर जो बताया उन्होंने, कितना इतनी एरर बताई, ठीक है, एच अपॉन फोर पाई. तो इसको जो मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स, ये क्या था, पोजिशन डॉट डेल्टा पी, डेल्टा पी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बताया ना, या तो क्या होगा, ठीक है, या तो इसके बराबर होगा वो एच अपॉन फोर पाई के, या फिर इससे ज्यादा भी एरर हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया भाई, ठीक है, किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया, ठीक है, तो उसने, तो यहाँ पर जो है हाइजेनबर्ग ने ये बताया, इतनी एरर तो आएगी आएगी, इसी वजह से क्या हुआ, जो बोर जो मॉडल था, जो कि क्या बता रहा था कि हाँ, बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट होगा भाई, ठीक है, ये वाला जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्या होगा, एच अपॉन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई ना, एच अपॉन टू पाई वाला इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है, ये बताया था उसने भाई, ठीक है, तो उसने क्या, तो फिक्स्ड पाथ बताया था ना, फिक्स्ड पाथ वाली कहानी क्या हो गई थी यहाँ पर, जो गलत हो गई थी साहब, जो है, ठीक है, आप फिक्स्ड पाथ तो बता ही नहीं सकते भाई, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि कोई गाड़ी अभी कहाँ है यहाँ पर है, ठीक है, ए पोजिशन पर है, ठीक है ना, ए पोजिशन के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, ए पोजिशन पर है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो आप उसको 2 घंटे बता सकते हो कहाँ पर होगी, ठीक है, तो डी पॉइंट के ऊपर होगी. यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि आपसे कहा जाए कि यदि आपको वेलोसिटी ना बताई जाए, ठीक है, और पोजिशन पोजिशन खाली जो बताई जाए, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट के लिए मैं कह देता हूँ ए पोजिशन पर है कोई ऑब्जेक्ट, बताओ 3 घंटे बाद कहाँ होगा, क्या 3 घंटे बाद आप बता सकते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसकी स्पीड भी चाहिए ना भाई, ठीक है, स्पीड भी चाहिए, ठीक है, तो स्पीड भी होनी चाहिए वहाँ पर जो है, लेकिन जब आप स्पीड और पोजिशन दोनों को इकट्ठा रखते हो तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये चीजें क्या आ जाती हैं, गलत आ जाती हैं, ठीक है, इनको साबित कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो दिखा सकते हैं, देखो इसको सिग्निफिकेंस जो है यहाँ पर जो हम दिखा सकते हैं कैसे जो है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई ही आई, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं. अब जैसे यहाँ पर क्या है, अब मैं कह दूँ पोजिशन में तो क्या रहा, जब आपको पोजिशन पता है और आपको स्पीड ना बताए तो क्या बताएंगे इसकी, अब वो 2 घंटे बाद कहाँ पर होगा नहीं पता, तो लगा सकते हैं यहाँ पर जो है. लेकिन अगर मैं कहूँ वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और अब गाड़ी की पोजिशन ना बताऊँ मैं शुरुआत में, ठीक है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गोहाना है, कहाँ पर है, व्यक्ति के बीच में जो है मैं बताऊँ, ठीक है, ये पोजिशन बीच में ना बताऊँ तो आप क्या बता सकते हैं भाई, नहीं बता सकते ना, ठीक है, तो दोनों में से आपको, ठीक है, इन दोनों में क्या होनी चाहिए, आपको पोजिशन और स्पीड दोनों की, दोनों थिंग्स जो है, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर जो है माइक्रोस्को बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है. लेकिन माइक्रोस्कोपिक के लिए जब हम इन दोनों चीजों को लेते हैं तो वहां पर जो क्या आती है, वहां पर मिनिमम एरर आती है और वो एरर जो होती है लगभग कितनी होती है, एच अपॉन फोर पाई होती होती है, इससे ज्यादा की भी एरर आ सकती है, समझ गए भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एरर आएगी. जैसे अब यहाँ पर क्या है,
अब मैं अगर गाड़ी लेकर के भी चलूँ, ठीक है, जैसे रास्ते में चला, यहाँ से मैं गया भाई, ठीक है, सोनीपत गया, क्या पता ट्रैफिक हो भाई, ठीक है, बीच में ट्रैफिक भी हो सकता है। अब मुझे लगता है यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, मेरे को 1 घंटा लगता है सोनीपत जाने में, ठीक है, और कई बार जो ट्रैफिक हुआ, ठीक है, या फिर रास्ता जो ब्लॉक हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी आ गई ना, ठीक है, आधे घंटे की जो है, ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ऐसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस, ठीक है, इसको जो दिखाया जा सकता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कैसे जो, ठीक है, इसको जो है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है भाई, देखें यहाँ पर जो क्या है, देखो इसको जो हम, ठीक है, दिखा सकते हैं क्या है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, और डी ब्रोगली इक्वेशन जो है, ठीक है, वो केवल दोनों के दोनों, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही, ठीक है, एप्लीकेबल है, ठीक है, डी ब्रोगली वाली इक्वेशन, ठीक है, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया, बोथ आर एप्लीकेबल फॉर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली, ये केवल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही ये क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली, ठीक है, इनके लिए केवल ये क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे जो है, ठीक है ना, इनके लिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए इनका जो है कोई कोई, ठीक है, वहां पर जो है, ठीक है, सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जैसे क्या रहेगा, फॉर ए पार्टिकल, अब यहाँ पर जो है इसको एग्जाम्पल कर लेते हैं, फॉर ए पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मास, जिसका मास क्या है, 1 mg है, ठीक है, 1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम है, ठीक है भाई, मास जो इसका, ठीक है, 1 मिलीग्राम रहेगा, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, मिली का मतलब क्या, 10^-3 ग्राम हो गए, 10^-3 ग्राम हो गए, अब हमें तो ऐसा ही में चाहिए, तो किलोग्राम बनाने पड़ेंगे, किलोग्राम के, ठीक है, तो ग्राम के 1 ग्राम हो गया ना ये, ठीक है, -3 ग्राम, तो इसको जो है 10^-6 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, कितने हो रहेंगे, 1 ग्राम के 1 किलोग्राम रहेंगे, तो 1/2000 करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो इतने किलोग्राम हो गए, ठीक है, तो इतने किलोग्राम हो गए, इसके लिए जो है, ठीक है, भी है, तो हमारे पास क्या होगा, भी है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π, ठीक है, एम जो है यहाँ से, ठीक है, ये एम था यहाँ पर, ठीक है, एम डेल्टा वी, ठीक है, पी को हमने यहाँ पर लिख लिया ना, पी पी मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, क्या मोमेंटम, ठीक है भाई, तो ये वही तो है, ठीक है, इतना अगर मान लेते हैं, तो एम को इधर लेके आते हैं यहाँ पर, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π एम इधर आ गया यहाँ पर, ठीक है, एम यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, एच अपॉन 4π, ठीक है, ये हो गया, अब जो इसको देखो एच अपॉन 4π हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर जो सारी की सारी वैल्यू जो हम पुट कर देते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, ठीक है, ये अनसर्टेनिटी, दोनों का प्रोडक्ट जो आता है लगभग कितना आता है, देख लेते हैं इसको, 6.626 × 10^2, एच की वैल्यू तो ये है -34, ठीक है भाई, और साथ ही, ठीक है, यहाँ पर 4, ये 4 है कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, गुना, ठीक है ना, गुना 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 गुना, ठीक है, और यहाँ पर मास, मास कितना आ गया, 10^-6, ठीक है, ये ले लो, तो उसको पूरे को जब सोल्व करते हैं हम, ठीक है, तो ये वैल्यू जो आती है लगभग कितनी आती है, दोनों में जो है 10^-28 m² सेकेंड, ठीक है भाई। अब जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, ये क्या, देखो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, पोजिशन का और वेलोसिटी का, दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी स्मॉल, ठीक है, दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसका है ये डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है, दिस प्रोडक्ट इज अ वेरी वेरी स्मॉल, इज अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल, एंड फोर पार्टिकल, यदि मास जो हम, ठीक है, 1 mg से बढ़ा दें, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, और भी छोटा होगा भाई, ठीक है ना, यदि आप क्या कर दें, ठीक है, 1 mg से ज्यादा का अगर मास लेना, ठीक है भाई, ये दो प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगी ना, और भी छोटी होती जाएगी, ठीक है, तो 1 mg के लिए तो हमने, ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू ली है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ पर आप, ठीक है, पुट करें, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो, इलेक्ट्रॉन के लिए देख लो, ठीक है, फोर मास ऑफ, मास ग्रेटर देन 1 mg, ठीक है, यदि आप 1 मिलीग्राम से ज्यादा लेते हैं, ठीक है, मास, ठीक है, दिस दिस प्रोडक्ट
विल बी स्टिल स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, और भी छोटा हो जाएगा, 10^-28 से ही छोटा हो जाएगा. दिस वैल्यू, वैल्यू जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सी वैल्यू, ठीक है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी तो है, एरर है ना भाई, ठीक है, विल बी नाउ वेरी वेरी, ठीक है, वेरी, उससे भी और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, अगर यदि आप, ठीक है, मास जो बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मास जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देंगे, ठीक है, घटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, छोटा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं. देखो, फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यहाँ पर जो है इसके लिए लेते हैं, ठीक है, फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे भाई, ठीक है, तो उसका मास कितना होता है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास जो रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, ठीक है, इतना रहता है भाई, ठीक है, किलोग्राम में इतना आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी निकालते हैं, एच अपॉन 4πm, ठीक है, एच अपॉन 4πm यहाँ पर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.626 × 10⁻³⁻⁴, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 गुना, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 गुना, ठीक है, मास, मास 9.18 × 10⁻³⁻, ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये माइनस के 31 है, ठीक है, तो वैल्यू क्या है, छोटी आएगी आपके पास, ठीक है, ये क्योंकि तीन ही रह जाएंगे यहाँ पर, ये कट जाएंगे, ठीक है, और ये भी जो है कटने वाले यहाँ पर, तीन पॉइंट यहाँ पर ये भी कट जाएंगे, ठीक है, तो ओवरऑल, ठीक है, वैल्यू जो कुछ जाएगी, ठीक है, जो मीनिंगफुल वैल्यू आने वाली है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, इसको जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 34, 33 तीन रह जाएंगे, ये कट गया, जो अगर भाग देके देखे तो ये वैल्यू जा रही है, लगभग कितनी आ रही है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग इतनी आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू जो इतनी आ रही है, अब ये वैल्यू क्या है, ठीक है, ये तो क्या ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, ये क्या है, 10 यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी, ठीक है, जो आ रही है, ठीक है, 10 हम कह सकते हैं, 10 इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ये जो अनसर्टेनिटी, ये डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी की वैल्यू जो आई है, ठीक है, लगभग कितनी आई है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, कितनी आ रही है, डेल्टा वी, 10 इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज, ठीक है, पोजिशन में अगर हम अनसर्टेनिटी माने, ठीक है, इज 10⁻⁴ मीटर है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, देन यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो लिखते हैं, देन अनसर्टेनिटी जो रहेगी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी विल बी कितना हो जाएगा वो, ठीक, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ना, ठीक है, विल बी 1.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, ये तो जाएगा मीटर पर सेकेंड इनवर्स, क्यों, देखो ये इस वाली वैल्यू को आप क्या मान लेते हो, अनसर्टेनिटी पोजिशन, ठीक है, कितना माने, 10⁻⁴ मान रहे ना, जब ये 4 हो जाएगा तो इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, इधर, ठीक है, इधर पुट कर देंगे तो डेल्टा बी की वैल्यू क्या जाएगी, 10⁻⁴ - 10⁻⁴, ठीक है, कट जाएगा तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा ना, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, ठीक है, 1 आ रही है यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना आ रहा है, अब यही क्या था, ठीक है, क्वाइट सिग्निफिकेंट था यहाँ पर जो है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या था, जो बड़े ऑब्जेक्ट थे उनके लिए आप जो है, ठीक है, ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई, इट इज फॉर दिस रीजन दैट बोर्स का कॉन्सेप्ट जो फिक्स सर्कुलर पाथ वाला, ठीक है, इसकी डेफिनेट पोजिशन थी, डेफिनेट मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया, किससे भाई, ठीक है, जो है प्रोबेबिलिटी से जो है रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, मतलब कितने की जो है ना, वहाँ पर जो है अगर एरर कितने की आ रही है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में, ठीक है, कितने की एरर तो होगी ही होगी, ठीक है, ये क्या कह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻⁴ - 4 मीटर है ना, यहाँ पर ध्यान से समझे भाई इस बात को जो है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर, ठीक है, न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जगह पर है, यहाँ पर है, तो इसमें जो है ना, मैं तो ये फिक्स बता दिया ना, 10⁻⁴ जो वैल्यू है, ठीक है, मान लेते हैं 10⁻⁴ वैल्यू यहाँ से लेकर के, सॉरी, ठीक है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ठीक है, हम सोचते रहे ये वाली वैल्यू, ठीक है, होनी चाहिए रियल वैल्यू, ये होनी चाहिए, ठीक है, जबकि उन्होंने एरर जो बताई है, डिफरेंस कितना होता है, 10⁻⁴ पोजिशन में है -4, ठीक है, ठीक है, पोजिशन, और जब इसकी स्पीड वेलोसिटी में भी डिफरेंस कितने का, अगर आप उसकी वेलोसिटी मान रहे हैं, मान लेते हैं 5 मान रहे हैं, तो वो कितनी हो सकती है, ठीक है, 5 प्लस या माइनस भी हो सकती है, ठीक है, उसकी 6 भी हो सकती है, ठीक है, अगर प्लस बात करें तो हम 6 भी हो सकती है,
और माइनस में अगर बात करें तो ठीक है माइनस के चार भी हो सकती है, ठीक है -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है कि ये जो हम समझ अज्यूम कर रहे हैं ये वैल्यू, ठीक है रियल में वैल्यू नहीं है यहाँ पर जो, ठीक है मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी में तो ये है भाई डिफरेंस। अब उसी की वजह से यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, इस पोजिशन पर होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी कम है तो, ठीक है वेलोसिटी कम है तो यहाँ पर ठीक है इस पोजिशन पर रहेगा, ठीक है और यदि वेलोसिटी उसकी ज्यादा बढ़ गई ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, बी पोजिशन के ऊपर होगा भाई, ठीक है। तो इन दोनों में यदि जो एरर आ रही है जो हम गैस कर रहे हैं इस पूरे पूरे जो वॉल्यूम को डेंसिटी को उसने क्या नाम दिया, फिर बाद में जो है जो यहाँ से डेफिनेट पाथ वाला जो कंसेप्ट है वो तो नेगलेक्ट करना पड़ा इनको, और इस वाले पाथ को उसने क्या नाम कहा, ठीक है ये यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो वॉल्यूम आना ना ये डेंसिटी जो हो रही है इस वाले को उसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी, क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना इस वाले, ठीक है मतलब प्रोबेबल रहेगा वो, ठीक है प्रोबेबिलिटी है उसकी यहाँ पर मिल सकता है ए से बी के बीच में इस वॉल्यूम में वो मिलेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये नहीं कहा कि 100% क्यों नहीं है, उसने कहा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का तो मीनिंग समझते हो ना आप, ठीक क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन कहा इस वॉल्यूम के अंदर हो, ठीक है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन विल बी, सॉरी क्या लिखते हैं, ठीक है इलेक्ट्रॉन विल बी फाइंड इन, या फिर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जो रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इसको जो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इस वाले जो वॉल्यूम को उसने देख तो पहले क्या नाम दिया, ऑर्बिटल नाम दिया, ठीक है ऑर्बिटल, ठीक है बाद में बताया ठीक है साइंटिस्ट ने नाम दिया, ठीक है ऑर्बिटल क्या होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम है, ये वो वाला वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है आगे बस समझो भाई, ठीक है ये वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वॉल्यूम है तो 2D कंसेप्ट हो, ठीक है यहाँ पर जो है ठीक है ठीक है 3D कंसेप्ट आ गया था तो वॉल्यूम रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा जो वॉल्यूम रहेगा, अब इसमें तो हम दिखा नहीं सकते भाई ठीक है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, ठीक है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा ये वॉल्यूम है, ठीक है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है वो कहलाया क्या, ऑर्बिटल कहलाया, क्या कहलाया, ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे कि ये ऑर्बिटल कैसे होते हैं, कुछ ऑर्बिटल कैसे होते हैं स्फेरिकल होते हैं भाई, ठीक है स्फेरिकल रहेंगे, ठीक है ना। कुछ ऑर्बिटल कैसे होते हैं आप पढ़ने वाले उनको डम्बल शेप होते हैं, ठीक है ये ऐसे ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है भाई अपना, ठीक है डम्बल देखे ना आपने भाई, ठीक है ऐसे डम्बल रहते हैं। कुछ ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डबल डम्बल होते हैं, ठीक है डबल डम्बल शेप होते हैं, मतलब इस एरिया के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है रहेगा कौन सा, ठीक है या तो इस वाले एरिया के अंदर हो सकता है, इस वाले वॉल्यूम के अंदर हो सकता है, ठीक है इस वाले वॉल्यूम में हो सकता है भाई यहाँ पर, ठीक है इस वाले वॉल्यूम में, ठीक है इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ठीक है इस वाले वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यहाँ पर पाया जा सकता है, ठीक है आपको बताएंगे, ठीक है ये क्या होते हैं भाई, ठीक है ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये क्या है नोड कहलाएंगे आगे, ठीक है हम पढ़ेंगे इनको, ये कहलाते हैं नोड कहलाते हैं, ठीक है ना ये वाला कहलाएगा क्या, नोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल जो भी है एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ठीक है इनको हम आगे जो पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना क्या आ गया, एक स्पेस की बात आ गई, किसकी बात आ गई, स्पेस की बात आ गई, स्पेस वॉल्यूम की बात आ गई, ठीक है भाई ये सारी चीज, ठीक है। अब उन्होंने जो है इसका जो सबसे ज्यादा, ठीक है अगर हम बात करें तो स्पेस आ गया भाई, अब स्पेस की बात आ गई तो क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है उसका वेव नेचर है, ठीक है तो वेव है तो वेव की तरह, ठीक है बिहेव करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर हो सकता है वेव की तरह भाई, ठीक है ऐसे बिहेव कर रहा है वो, ठीक है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा क्या उसका जो वॉल्यूम है भाई, ठीक है स्पेस है, ठीक है क्या कह रहे थे स्पेस कह रहे हैं, क्या रहे हैं स्पेस, ठीक है। अब इस स्पेस के लिए जो उन्होंने इसमें क्या किया, ठीक है सोल्यूशन निकाले, ठीक है स्क्रोडिंजर इक्वेशन आई, स्क्रोडिंजर, ठीक है वेव को वेव फंक्शन को सोल्व करने के बाद स्क्रोडिंजर इक्वेशन आई और उन्होंने क्या सोल्व किए, ठीक है तीन वैल्यू आई, ठीक है जो आंसर आए उसके एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल आए, ठीक है इन वेरिएबल को उसने जब बाद में क्या नाम दिया, क्वांटम नंबर नाम दिया, ये क्या कहा उन्होंने क्वांटम नंबर नाम दिया, ठीक है जो कि इलेक्ट्रॉन की ही पोजिशन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ठीक है पहले बताएगा ये शेल है, ठीक है किस सेल में होगा, ठीक है ये वाई जो बताता है ये बताता है किस सब सेल के अंदर होगा, सब सेल में होगा, ठीक है ये बताता है कौन से ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर ने बताया, ठीक है देखो स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी, ठीक है उन्होंने दी वेव की इक्वेशन, ठीक है वेव इक्वेशन के लिए, ठीक है कोई फंक्शन वगैरह रहेगा, ठीक है साई वगैरह, ठीक है उन्होंने बताया, ठीक है भाई उसके लिए जो है स्पेस में जो इक्वेशन होती है ना, ठीक है तो उसके लिए जो है उस इक्वेशन को उसने सोल्व करा मैथमेटिकल, ठीक है हैमिल्टनियन ऑपरेटर का यूज किया उन्होंने जो है, तो एडवांस है सारा का सारा, ठीक है आप जो कॉलेज लेवल पढ़ोगे सिर्फ ये समझ लो, स्क्रोडिंगर ने तीन सॉल्यूशन दिए एक्स वाई और जेड जो है, ठीक है ना।
अब उन्हीं सॉल्यूशन को उसने क्या नाम दिया, क्वांटम नंबर नाम दिया है। इससे ये क्या है बता सकते हैं आप, एड्रेस बता रहे हैं एक तरीके से क्या है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पता लग रहा है। तो सही जो एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का वो किसके द्वारा पता चल रहा है, किस इक्वेशन के द्वारा पता चला, स्क्रूडिंगर ने जो बताया भाई, ठीक है, कि किस सेल में होगा, ठीक है, मतलब कौन से देश में है, ठीक है, किस स्टेट के अंदर है, ठीक है, किस ठीक है डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है, कोई भी जो अंदर आ रहा है, ठीक है, पर्सन जिसे अपना हमारा एड्रेस होता है, ठीक है, घर का एड्रेस होता है, ठीक है, इंडिया का है, ठीक है, उसके बाद इंडिया में कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो ठीक है वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में फिर वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली से कहाँ पे, या फिर जो है ठीक है चंड कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, चांदनी चौक में रह रहे हैं, ठीक है, करोल बाग में है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने, किसने बताई, ठीक है, जो है बाद में जो साइंटिस्ट आए हैं, मैकेनिकल मॉडल रहा, ठीक है, तो ऐसे जो शुरुआत हुई है यहाँ पर जो है, ठीक है। बाकी जो है ठीक है क्वांटम नंबर जो हम कल स्टार्ट करेंगे, क्वांटम नंबर होते क्या है, ठीक है ना, इसको जो हम कल जो स्टार्ट करने वाले हैं।